तो दोस्तों देख पा रहे हैं चिकन धो के हो गया रेडी, अब इसको काटते हैं। तो एक दो तीन चार पाँच छह लेग पीस कंप्लीट। चिकन लेग पीस खत्ता के बारे में हो गया। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज हम लोग बनाने वाले हैं चिकन, वो भी 3 केजी। 3 केजी चिकन सभी के लिए बनेगा, तो फिलहाल बनाते हैं। मारे खबासी की मारा तीन मुर्गा काट। तो दोस्तों बहुत ज्यादा खाने का मन था क्योंकि सावन उबर लगा था, अब कहते हैं खत्म हो गया है, तो फिलहाल बनाते हैं 3 केजी मुर्गा और आपको दिखाते हैं इसका पूरा रेसिपी, तो बने रहिएगा वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों चिकन को काटने से पहले इसको धोना जरूरी है, तो फिलहाल इसको धो देते हैं फटाफट। ये हुआ पानी और ये। तो दोस्तों चिकन जो है हमारा पूरी तरह से धुल चुका है, देख पा रहे हैं पूरा ब्लड व्लड निकल गया है, अब फिलहाल इसमें रख देते हैं। तो दोस्तों देख पा रहे हैं चिकन धो के हो गया रेडी, अब इसको काटते हैं। काटने के लिए देख पा रहे हैं हमारे पास पेंसिल है लोहे का, इसी से काटेंगे। तो दोस्तों अब चिकन काटना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इसका चिकन लेग पीस काट लेते हैं। ये है इसका लेग पीस, देख पा रहे हैं, इसी तरह इसको भी काट लेंगे। ये भी कट गया, इसी तरह सबको काट लेना है पूरा लेग। तो दोस्तों एक दो तीन चार पाँच छह लेग पीस कंप्लीट। तो फाइनली दोस्तों चिकन जो है कट के यहाँ रेडी हो गया, देख पा रहे हैं, धो के भी रेडी कर दिए हैं। अब ले चलते हैं फिलहाल बनाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आग जला लेते हैं, देख पा रहे हैं आग जो है पूरी तरह से बुझ चुका है। तो दोस्तों देख पा रहे हैं आग जो है नहीं जल रहा है, इसलिए एक पॉलीथीन और एक माचिस का सराय देख पा रहे हैं जला दिए हैं, और इसी से पकड़ाएंगे आग को फटाफट। ये देख पा रहे हैं पकड़ लिया फिलहाल, देखें हाथ बचाना। ओके, ये दोस्तों आग जो है पूरी तरह से देख पा रहे हैं जल चुकी है, और अब इसमें चढ़ाएंगे कढ़ाई। तो इधर देख पा रहे हैं बीनू जी कढ़ाई चढ़ा रही हैं, ये देख पा रहे हैं कढ़ाई चढ़ गई। इधर मम्मी जी हमारी प्याज काट रही हैं, और देख पा रहे हैं चिकन जो है वेट कर रहा है बनने के लिए। फिलहाल कढ़ाई में अब डालेंगे तेल, तो अब डाले हैं बीनू जी तेल, देख पा रहे हैं। तो दोस्तों रिफाइंड के तेल में चिकन बनाएंगे बीनू जी, जो है बढ़िया जल रहा है एकदम, तेल गर्म हो चुका है। अब बीनू जी डालेंगे प्याज। तो देख पा रहे हैं बीनू जी जो है चिकन को अलग कर रही हैं एक थाली से दूसरे थाली में, क्योंकि इसका देख पा रहे हैं ब्लड है, पानी है, और ये जो है अलग कर दिए हैं। फिश देख पा रहे हैं एकदम पिंक कलर का है। दोस्तों चिकन डाल के और देख पा रहे हैं ढक दी हैं, और बढ़िया आप जला दे रही हैं आग। ये इतने पतले पतले लकड़ी है कि इससे खाना बनना जो है मुश्किल होगा, तो लकड़ी लाना होगा हमें। दोस्तों लकड़ी लेने आ गए हैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े लकड़ी हैं, देख पा रहे हैं बहुत लंबे लंबे हैं, इनको ले जाना सही नहीं है। दोस्तों इतना लकड़ी ले लिए हैं पतला पतला, अब इसी से काम चलाएंगे क्योंकि लकड़ी जो है नहीं है, फटाफट बनाते हैं। तो दोस्तों लकड़ी रख दिए। तो दोस्तों देख पा रहे हैं पक रहा है, आग जो है बड़ी अच्छे तरीके से जल रहा है। दोस्तों आग जो है बहुत बढ़िया जल रहा है, देख पा रहे हैं, और चिकन बढ़िया पक रहा है। एक लेग पीस देख पा रहे हैं बाहर है। तो दोस्तों देख पा रहे हैं बीनू जी जो है इसको खोल रही हैं, गिर गया है। आप पकड़िए दोस्तों, देख पा रहे हैं दोस्तों ये जो है चिकन पक रहा है, और इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए दोस्तों ऐसे है ये। दोस्तों देख पा रहे हैं 25 साल पुरानी कढ़ाई में बन रहा है चिकन, और देख पा रहे हैं क्या मस्त जो है, थोड़ा काला काला होता जा रहा है भैया, क्या बात है। आग जलते नहीं, जलते हैं तो पूरा। अच्छा आग की वजह से दोस्तों देख पा रहे हैं इतना भयंकर आग जलता है, क्योंकि पतला पतला लकड़ी है ना, देख पा रहे हैं आग जल के बुझ चुका है। और देख पा रहे हैं चिकन जो है एक नंबर का फ्राई हो रहा है। फिलहाल मसाला की तैयारी करते हैं। तो आ गए हैं सिलबट्टा के पास, और मम्मी जो है मसाला तैयार कर रही है, देख पा रहे हैं ये सारा मसाला का कहा है इसमें मम्मी। ये लागत हमारी चाय डोड़ा हदिया काला हुआ, अरे इलायची है वो, इलायची प्याज। तो दोस्तों इतना मसाला जो हम लोग इसको अभी पीसेंगे, और कुछ पीसा मसाला रखा हुआ है घर में। बीनू जी जो है मसाला बांटेंगी, बांटिए 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 मसाला। तो मसाला जो है बीनू जी पीस के रेडी कर चुके हैं, फिलहाल अब उसको उठाएंगे। देख पा रहे हैं मसाला जो है पीसने के बाद कुछ इस तरह दिखता है, देख पा रहे हैं ये देसी मसाला पीसने का तरीका है। सिलबट्टा बढ़िया पीस दिए हैं, अब इसको सीधे चिकन में डाल देंगे। देख पा रहे हैं मम्मी जो चिकन है चला रही है बढ़िया, पक गया मम्मी। हाँ, दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से जो है बुना गया है, अब इसमें डालेंगे बढ़िया मसाला। मसाला पक गया है, हाँ दोस्तों इसमें डाल देंगे सीधे मसाला। बेटवा हमारा खेल रहा है क्या बेटा, कहाँ देख रहे हैं।
तो दोस्तों कुछ पहले मसाला डाल दिया जा रहा है ताकि चखना जो है निकाल लें हम। चखना मतलब कि जो फ्राई हो जाएगा खाने में मज़ा आता है। देख पा रहे हैं ये इसमें मसाला जो है नमक वगैरह पूरा मिक्स हो चुका है। इसको निकाल के बढ़िया टेस्ट करेंगे। अब इसको चला के मम्मी निकालेंगी। बढ़िया निकालो मम्मी, निकालो निकालो, बस इतने में तो हो जाएगा। चलो लेग पीस निकालो, लेग पीस। लेग पीस ये है, ये सामने। हाँ ये लेग पीस है। वाह सब पिघल गया बट एक नंबर का है। तो दोस्तों देख पा रहे हैं क्या मस्त दिख रहा है एकदम ये। तो मसाला के साथ थोड़ा सा ओवरेस्ट डाल देते हैं, कुछ इस तरह। देख पा रहे हैं इसका हो गया। अब इसमें डाल देंगे बढ़िया पानी ये। अब देख पा रहे हैं डाल दिए इसमें ये। ये बन गया। अब इसको पकने में कितना टाइम लगेगा मम्मी? 5-10 मिनट पका के उतार दे। ओके तो तब तक अपना जो ये फ्राई वाला निकाले हैं इसको टेस्ट करते हैं कैसा बना है। ओके तो चलिए खाते हैं। तो ये उठाए हम लेग पीस, देख पा रहे हैं ये चिकन लेग पीस। खत्म एक बाजार में हो गया। दोस्तों देहाती लोग और देसी लोग ऐसे खाते हैं, मज़ा आ गया। इतना दिन के खाने का मन कर रहा था बट आइए आज खाने का मिला है, क्या करें। और देख पा रहे हैं एक लेग पीस और है, ये इतना बड़ा है बट ये बहुत ज़्यादा गर्म है, पर इसको टेस्ट करेंगे अभी। ये देख पा रहे हैं लेग पीस, देख पा रहे हैं कुछ इस तरह दिखता है, बड़ा सा और थोड़ा ज़्यादा गर्म है ये। मजा आ गया। दोस्तों देख पा रहे हैं कुछ इस तरह भी फीस बचे हुए हैं। तो दोस्तों इतना खत्म कर दिया, देख पा रहे हैं कटोरी में एक पीस और बचा है, एक पीस, और इसको भी खत्म कर देते हैं। बहुत ज़्यादा खाने की इच्छा मान लीजिए था, और 3 kg जो चिकन आज बना है हमारे यहाँ, आधा केजी तमिन खा गए, मतलब एक पाव तो रहा होगा। तो दोस्तों चिकन खा के फिलहाल घर से बाहर आ चुके हैं और बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों। अगर आप लोग भी ट्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बहुत ही मज़ा आता है। आज हम लोगों ने खाया 3 kg चिकन और आपको दिखाया कैसे हम लोगों ने बनाया। तो आई होप कि हमारा जो ब्लॉग है आपको पसंद आया होगा विलेज कुकिंग, और पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में तो सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले बाय बाय।